ऑक्सीजन प्लांट किस हद तक क्या तैयारियां यहां पर चल रही है, कब तक शुरू हो जाएगा, वही जानकारी मैं देखने के लिए आया हूं। ज़मीन पर क्या हकीकत है और क्या तैयारियां चल रही है सर, किस स्टेज तक तैयारी हो चुकी है और क्या अब आगे किया जाना है? नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर शांत पड़ चुकी है, लेकिन तीसरी लहर के आने की संभावनाएं भी उसी तरह लोगों को फिर भी डरा रही है। सरकारें अपनी तरह मुस्तैद है और तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। मैं मौजूद हूं सुजानगढ़ के सुजानमल बगड़िया उपजिला अस्पताल में, जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाना है। ऑक्सीजन प्लांट किस हद तक क्या तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, कब तक शुरू हो जाएगा, वही जानकारी मैं देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी और बड़ी मशीनरें हैं। तो क्रेन के माध्यम से ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर उस जगह तक, उस स्थल तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर प्लांट लगाया जाना है। और मेरे साथ यहाँ देखिए बजरंगजी सेन, जो कि कांग्रेस नेता हैं, खुद अपनी देखरेख में यहाँ पर काम करवा रहे हैं, खुद खड़े रहकर अपना समय देकर इस काम को तेज़ गति से कैसे किया जा सके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जहाँ चिंताएं लोगों में अभी तक व्याप्त है, एक सुखद खबर, क्योंकि हमने देखा था कि जो दूसरी लहर जब आई थी तो ऑक्सीजन की कमी हमें सबसे ज़्यादा खली थी और ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही हर ओर मची थी। तो तेज़ी से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो तैयारी है वो की जा रही है, मशीनरी यहाँ पर पहुँच रही है। और इधर कैमरा आप घुमाएंगे तो ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार है, यहाँ पर मशीनरी लगाने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। मशीनरियाँ पहुँच चुकी है, लगातार पहुँच रही है, और आज यहाँ मंगलवार को और मशीनरी यहाँ पर पहुँची है, जो कि अलग अलग बाहर के देशों से भी यहाँ पहुँच रही है। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही सुखद खबर है और एक राहत देने वाली खबर है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो किस तरह से हमें खली थी जब दूसरी लहर हावी हुई थी। ये देखिए फाउंडेशन यहाँ पर बनाया हुआ है, फाउंडेशन पर स्थापित किया जा रहा है एक एक मशीनरी को, और ये देखिए फाउंडेशन पर मशीनरी को रखा जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही हुई थी, और तीसरी लहर के आने की संभावना मानी जा रही है। जहां डर है, वहीं उस डर के बीच में एक सुख की खबर है, सुखद खबर है कि ऑक्सीजन का प्लांट यहां सुजानगढ़ में लगाने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। इंजीनियर साहब मेरे साथ में हैं, मैं सबसे पहले थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा सर, आपका नाम वगैरह। मेरा नाम विशाल तिवारी है, मैं एटलस कॉपको में सर्विस इंजीनियर हूँ, और ये ऑक्सीजन प्लांट मैं जयपुर का टेरिटरी देखता हूँ, तो ये मेरे टेरिटरी में आता है, तो ऑक्सीजन प्लांट हमने यहाँ पे डिलीवर किया है। बिल्कुल, ऑक्सीजन प्लांट किस हद तक क्या तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, कब तक शुरू हो जाएगा, वही जानकारी मैं देखने के लिए आया हूँ। ज़मीन पर क्या हकीकत है और क्या तैयारियाँ चल रही है सर, किस स्टेज तक तैयारी हो चुकी है और क्या अब आगे किया जाना है? देखिए सर, अभी तो सारा इक्विपमेंट आया है, आज हमने ऑलमोस्ट सारा इक्विपमेंट हमने अनलोड कर दिया है। अब बारी है इलेक्ट्रिकल और आपका पाइपिंग की, तो इलेक्ट्रिकल के लिए मेघवाल जी के सपोर्ट से अभी केबल वगैरह सब आ रहा है, तो होपफुली वो जल्दी आ जाएगा, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक हम उस केबलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और बाकी पाइपिंग के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी दे आर वो इन प्रोग्रेस में हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो जैसे ही वो आ जाएंगे, पाइप हमारी आ गई है, हम कनेक्शन करके फिर उसको जल्दी से जल्दी चालू कर देंगे। जो प्लांट है और जो मशीनरी है जो बाहर से आनी है वो सभी आ चुकी है यहाँ पर? मशीनरी तो ऑलमोस्ट मशीनरी सारी आ चुकी है, अब बाकी बची हैं जो छोटे मोटे जैसे केबल और पाइपिंग, जो एंसिलरी जो यहाँ पे प्लांट में ही रह के जो होगा। तो अब कब तक संभावना हम मान सकते हैं कि कब तक ये फिटिंग हो जाएगी या शुरू कब तक हो पाएगा? सर, शुरू का तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये सब कुछ साइट कंडीशन पे डिपेंड करता है, हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से स्टैंडर्ड ये माना जा रहा है कि ये जो है क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्लांट और अच्छा प्लांट है, तो इसकी क्या कैपेसिटी है और ये कौन सी कंपनी का क्या है? सर, ये एटलस कॉपको इंडिया लिमिटेड का ऑक्सीजन जनरेटर है, ये PSA टाइप जनरेटर है, ये एट साइट आपका ऑक्सीजन जनरेट करके देता है। इसका कैपेसिटी लगभग 450 लीटर पर मिनट है, ये 85 सिलेंडर्स पर डे जो कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। और अभी HPCL के थ्रू जो मुझे पता है हमारे राजस्थान में 4 अभी ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, एक आपका यहाँ सुजानगढ़ में है, एक कुछामन सिटी में है, एक आपका नवलगढ़ में है झुंझुनू में, और एक आपका अजीतगढ़ में है, वो भी सीकर में, तो ये 4 यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी अलग अलग जगह HPCL के थ्रू ये सप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये एक क्षेत्र में आसपास जो प्लांट लगे हुए उनसे कुछ विशेष होगा?
अब सर देखिए, अलग अलग प्लांट है, जैसे यहाँ पे भी ये प्लांट है, ये प्लांट के ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू आपको आगे सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे आपने इस बार देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो अब सिलेंडर मिलेंगे नहीं तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई पूरी कट हो गई। अब ये जो प्लांट है ये एयर बाहर से ही एटमॉस्फेयर की एयर सक करता है और उसी से ऑक्सीजन जनरेट करके आगे भेज देता है। तो आपको क्या, सिलेंडर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप वही नॉर्मल जो एयर है उसे सक करके आगे दे सकते हो। अगर सिलेंडर की सप्लाई में कमी हो गई, या जैसे इस दूसरी लहर में हुई थी कि अगर हमारे पास सिलेंडर नहीं है तो हमारे पास एटलीस्ट ये प्लांट है, तो उस प्लांट से हम लगातार सप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। बजरंग जी सेन मेरे साथ में जो लगातार यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं इस काम को नज़दीक से, ताकि काम विधिवत रूप से हो सके। ये मशीनरी अपने फाउंडेशन पर सज चुकी है। बजरंग जी, आप खुद लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, तो विधायक जी का किस तरह से निर्देश है और किस तरह से यहाँ पर जो काम है, क्या प्रोग्रेस है, कब तक क्या किया जाना है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और विधायक जी का दिशा निर्देश है कि खड़े रह के कम से कम काम कराओ तो उसमें फुर्ती आएगी, तो सभी हम कार्यकर्ता यहाँ के लग के, समाज से ही सब लग के ये काम जल्दी से जल्दी हो, तीसरी लहर आने से पहले ये काम स्टार्ट हो। तो हम कंटिन्यू दो दिन ये काम चल रहा है, मशीनें आ रही हैं, इनको उतरना, रखना, शिफ्ट करना, ये काम इनके साथ मिलकर करा रहे हैं। और कल हमारे ये इन लोगों ने कहा तो विधायक जी ने 20 लाख रुपए जारी किए हैं, बिजली के जो लगेंगे उनके लिए 20 लाख रुपए जारी किए, उन्होंने जिला परिषद को लेटर जारी कर दिया और यहाँ पे सबको अवगत करा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हम इनका सहयोग करके जल्दी से जल्दी ये काम स्टार्ट कराया जाए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जो विधायक हैं सुजानगढ़ के, मनोज जी मेघवाल, यहाँ पर केबलिंग का काम और जो बिजली के उपकरण वगैरह है उनको तेज़ी से यहाँ पर लाया जा सके और उनकी खरीद की जा सके, उसके लिए अपने कोष से, अपने कोष से उन्होंने 20 लाख रुपए का यहाँ पर जो है स्वीकृत यहाँ पर राशि की है। तो और किस तरह से वो दिशा निर्देश दे रहे हैं विधायक जी, यहाँ पर वो देख रहे करते हो, आपसे पूछते होंगे, फीडबैक भी ले रहे होंगे? विधायक जी मुझे बार बार फ़ोन करते रहते हैं, यहाँ के अधिकारियों को भी फ़ोन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, समाज से ही जीते उनको सबको बार बार कहते रहते हैं, कंपनी वालों को भी कह के जल्दी से जल्दी, इंजीनियर आपके सामने यहीं 3 दिन से यहीं बैठे हैं, तो सबको लगा के जल्दी से जल्दी ये काम कराना चाहते हैं। आप देखो अंदर बाल्डो में जो मशीनें आई थी, जिन्होंने विधायक जी ने मशीनें दिलाई थी ऑक्सीजन की, जो छोटी मशीनें 10 KV की, 5 KV की जो मशीन आई, वो भी हमने अंदर फिटिंग करवा दी ताकि कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे यहाँ के डॉक्टर और सभी अधिकारी हमारे तत्पर हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तुरंत इसको जल्दी से जल्दी चालू करने की कर सकते हैं, जल्दी शुरू होगा, जल्दी, बिल्कुल जल्दी शुरू। हम लोग सब मिलके सुजानगढ़ के वासी जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेंगे ताकि सुजानगढ़ को ये सुविधा उपलब्ध रहे कभी भी। थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन बेड टू बेड पहुँचाने की जो सप्लाई लाइन है वो किस तरह तैयार की गई है और क्या किस तरह काम करेगी? मारवाड़ी भाषा में बताऊँ, वो 8 सिलेंडर को सेक्शन 1 अलग बनेडो है, बिको 8 सिलेंडर को प्रेशर है जो एक माइन बताशी, एक माइन पूरा प्रेशर बताशी 8 सिलेंडर को। ये 8 सिलेंडर खत्म होने के बाद में वो एक 8 सिलेंडर को दूसरो सेक्शन बनाएडो है, तो दूसरे सेक्शन को प्रेशर है जो ई मीटर में बताशी कहीं प्रेशर है। बिके बावजूद अगर मान लो कोई गाड़ी नहीं आई या कोई प्रॉब्लम होगी पीछे, मतलब सिलेंडर आपने सप्लाई नहीं मिली, तो बे 8 सिलेंडर है मतलब एमरजेंसी लाइन, तो भी दौरान आपने कहीं भी सेक्शन आपने यूज में लेना पड़ी, बिन आपने मतलब ऑटोमेटिक हैंडल को नहीं हुआ, आपने हैंडल करना पड़ी बिन। साइड में मशीन लगी है वो जिकी मतलब ऑक्सीजन चाले बिन ठंडी करना को काम है, क्योंकि प्रेशर ऑक्सीजन चाले इतना बाकाई हुआ कि थोड़ी गर्म हो गए, तो ये काम है ठंडी करना को। और वो पीड़ो जो सिलेंडर लागेड़ो है वो जी मान लो कोई जेर खाएड़ो पेशेंट आ गयो, तो बेड के ऊपर जी मान लो पहली सेक्शन मशीन लगार बिन सेक्शन करता या सिरिंज के द्वारा नलकी गाल बिन काटा करता आपा, तो अभी मायने कहीं है कि एक मायने प्रेशर भरेडो रेसी बेड के ऊपर सीधी नलकी गाली और सेक्शन हुयो और वो निकल जा जेर भी मायने, कोई भी चीज़ खाईड़ी हुए बा निकल जाए। तो ये जानकारी थी यहाँ के दिवंगत मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के द्वारा, यह पाइपलाइन बेड टू बेड ऑक्सीजन पहुँचाने की पाइपलाइन पहले से सेक्शन हो चुकी थी जिसकी फिटिंग पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है, ये फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऑक्सीजन का प्लांट है वो तैयार किया जा रहा है जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। टेस्टिंग भी कर ली है इसकी पूरी, सिलेंडर लगा के पूरी टेस्टिंग कर ली है और इसे प्लांट से जोड़ दिया जाएगा। अब प्लांट से जोड़ दिया जाएगा तो सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जहां तीसरी लहर आने की संभावनाएं हमें डरा रही है, वहीं यहां सुजानगढ़ में ऑक्सीजन का प्लांट जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। मशीनरी जितनी भी बाहर से आने वाली है वो सारी मशीनरी यहां पर पहुंच चुकी है और केबलिंग वगैरह अन्य जो उपकरण हैं उनके लिए यहाँ के विधायक ने अनुदान दे दिया ताकि काम तेज़ी से यहाँ पर किया जा सके। जैसे इंजीनियर साहब से और हमने अन्य लोगों से बातचीत की, जल्द उम्मीद है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट शुरू होगा। एक सुखद खबर हमारे क्षेत्र के लिए, सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल से, अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।